नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। फतेहपुर चौरासी उन्नाव। फतेहपुर चौरासी थाना परिसर में आज हुई पीस कमेटी की बैठक में तहसीलदार राम असरे ने कहा कि बकरीद आ रही है, जिसमें कुर्बानी का सिलसिला होगा और लोग आपसी भाईचारे का पैगाम देंगे। उन्होंने मंदिरों और ईदगाहों की साफ सफाई के निर्देश भी दिए। तहसीलदार राम असरे ने आज थाना परिसर में आयोजित पीस कमेटी की बैठक में धर्म गुरुओं, ग्राम प्रधान तथा संवाद व्यक्तियों के साथ बैठक में कहा कि बकरीद में परंपरागत रूप से जहां बकरों का बाजार लगता है, वहीं पर लगाया जाए। परंपरागत रूप से जहां नमाज और कुर्बानी होती है, वहीं पर की जाए। उन्होंने कहा कि किसी नई जगह कुर्बानी नहीं होगी। कुर्बानी के बाद जो अवशेष बचता है, उसके निस्तारण की विशेष व्यवस्था की जाए। नमाज स्थल, ईदगाह और मस्जिदों पर साफ सफाई कराई जाए। उन्होंने कहा कि कहीं पर नमाज सड़कों पर नहीं होगी। थाना अध्यक्ष राजेश्वर प्रसाद त्रिपाठी ने नगर प्रशासन के लोगों से कहा कि मस्जिदों एवं ईदगाहों को जाने वाले रास्ते की साफ सफाई और बिजली व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए। उन्होंने कहा कि आने वाले त्यौहार परंपरागत तरीके से ही मनाएं। उन्होंने बकरीद और जुम्मे की नमाज को लेकर लोगों से समस्याएं जानी और साथ ही बकरीद पर खुले में कुर्बानी ना करने को हिदायत दी और कहा कि कुर्बानी सार्वजनिक स्थान पर नहीं होगी। कुर्बानी का कोई वीडियो ना बनाए, ना किसी को बनाने दे। बैठक में आरपीएस समाचार संस्थापक एवं प्रधान संपादक रघुनाथ प्रसाद शास्त्री, शाबिर अली मोती, पूर्व प्रधान अवधेश पवन पाल, राम गोपाल पांडे, जुल्फीकार अली, मियां खान, अनुज दीक्षित, नितिन जायसवाल, आरिफ एवं राधेश्याम वाजपेयी सभासद सहित करीब दो दर्जन से अधिक प्रधान व संवाहन लोग मौजूद रहे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।